तक के हम लोग यूज़ करते थे RSI को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए, कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो गया है, अब यहाँ से नीचे जाएगा, और मार्केट बहुत नीचे चला गया है, ओवरबॉट हो गया तो ऊपर जाएगा। अक्सर RSI इस चीज़ के गलत इन्फॉर्मेशन देता है, गलत सिग्नल देता है हमको, और काफ़ी टाइम से इस चीज़ में अगर लॉस उठाते आ रहे हैं तो आज इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपकी ट्रेडिंग में एक नया एज आ जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंडिकेटर टाइप में, यहाँ पर सर्च करेंगे स्टोकैस्टिक RSI, स्टोकैस्टिक। यहाँ पे आपको बहुत से इंडिकेटर मिल जाएंगे, आप इस इंडिकेटर को थोड़ा गौर से देख लीजिए, स्टोकैस्टिक अल्टीमेट। ये वैग गॉमलो करके हैं, 413 इनके यूज़र हैं जिन्होंने ये बनाया है, इसको चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे। तो जब इस इंडिकेटर को चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से नहीं आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से आएगा, इसकी सेटिंग भी बता देते हैं साथ में। जब आप इंडिकेटर को लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहले इसका KD डिफरेंसेस ये हटाइए, ये सब चीज़ें कन्फ्यूजिंग क्रिएट करती हैं। अब इसके K वाले को आप कर लीजिए ग्रीन, और डी वाले को आप कर लीजिए रेड, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये स्पेसिटी हटा दीजिएगा। उसके बाद रेगुलर बुलिश लेवल ये सब रहने दीजिए। अभी इसके आगे मैं बता रहा हूँ ये बुलिश और बेरिश क्या है, हिडन बुलिश इसको रहने दीजिए। ओवरसोल्ड की लाइन को आप समझे ऐसा, ओवरसोल्ड की लाइन को आप कर लीजिए रेड, इसकी थिकनेस बढ़ा लीजिए, और ये डॉट की जगह सॉलिड लाइन कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, और ओवरसोल्ड को कर लीजिए ग्रीन, थिकनेस बढ़ा लीजिए और डॉट से सॉलिड लाइन कर लीजिए। उसके बाद ये FAB 38 हटा दीजिए, मिडिल लाइन भी हटा दिए, बैकग्राउंड हटा दिए, ये भी हटा दीजिए, ये लेवल लगा दीजिए, प्राइस और इन स्केल ये हटा दी। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे जो एक कन्फ्यूजिंग पैदा करती है कि कहाँ पर है, इसको हटा देंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी सेटिंग हो गई, इसको ओके कर लीजिए। तो अब इंडिकेटर काफ़ी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी को जिस तरह से देखिए, ये EMA की लाइन है, ये 200 EMA है, मूविंग एवरेज। मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि मार्केट के डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें। तो मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि मार्केट का ट्रेंड आप पहले फाइंड कर लें कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि प्राइस EMA के नीचे चल रहा है तो ज़ाहिर है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अब जो भी हम लोग ट्रेड लेंगे वो ओवरबॉट पर लेंगे। मार्केट बहुत ज़्यादा में बढ़ोतरी आ गई है, मार्केट चूँकि चल रहा 200 EMA के नीचे है तो उसको डाउन ट्रेंड मानेंगे। तो जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगा तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हालांकि आपको यहाँ से यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ एंट्री लें और यहाँ एग्जिट कर लें, ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन चूँकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है तो ट्रेंड के अगेंस्ट जो ट्रेड होती हैं उसमें थोड़ा आपको संभल के काम करना होगा। तो इससे ज़्यादा मार्केट ऊपर गई, ये ओवरसोल्ड पूरा नहीं हो पाया लेकिन यहीं से मुड़ गई। तो इसमें क्या है, जब ये मार्केट यहाँ पे जाएगी तो आप ये देखेंगे रेड लाइन ऊपर आ गई और ग्रीन लाइन नीचे चली गई, मतलब आप ये समझ लीजिए कि रेड लाइन ऊपर आ गई कि बियर हावी हो गए, ठीक है, बियर हावी हो गए। आप यहाँ पर एंट्री बना लेंगे शॉर्ट की, ठीक है। इसके हाई का थोड़ा सा इस वीक के पास कैंडल की स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ये टारगेट फाइंड कर लीजिए, ठीक है। ये एंट्री हो गई और घूमते घूमते मार्केट यहाँ पे आपके टारगेट को हिट कर दिया। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जैसे ही एंट्री बनाई है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है, मार्केट जो है यहाँ पे एंट्री बनाई और मार्केट नीचे आने लगा, तो सबसे पहले आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे। तो उसके बाद जब मार्केट नीचे जाएगा स्टॉप लॉस यहाँ ले आएंगे, इसके बाद मार्केट और नीचे जाएगा तो आधी आधी कैंडल का स्टॉप लॉस बढ़ाते रहेंगे, यानी पीछे से स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहेंगे। इससे क्या होगा ना कि अगर इन केस ट्रेंड रिवर्स हो जाता है या मार्केट ऊपर चली जाती है तो आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा लॉस नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेल कर करके आगे आ गए हैं।
तो वो कम हो जाएगी, लॉस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और देख लीजिए, ये देख लीजिए, जैसे ये देख लीजिए ओवरसोल्ड हो गई। अब यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गई, यहाँ पे एंट्री आपको मिली, ठीक है, यहाँ एंट्री मिली। अब देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, उसके बाद उसने, तो अक्सर लोग ये नहीं कहते कि मेरी एंट्री लेते यार मेरा स्टॉप लॉस खा के नीचे आ जाता है, तो वो यही वजह होती है। अब आपने यहाँ एंट्री ले ली, ये देखिए रिजेक्शन दिख रहा है इस कैंडल पे, आपने जो रिजेक्शन है यहाँ एंट्री अगर बना ली, लेकिन इंडिकेटर आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है कि पूरी मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हुई है। तो जैसे ही ये लकीर रेड वाली ऊपर चली जाए और ग्रीन वाली नीचे आ जाए, ये समझ लीजिए कि बेयर हावी हो चुके हैं, अब मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ कहीं पे अगर आप एंट्री बनाते हैं, मान लीजिए शॉर्ट की आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस जो लास्ट स्विंग है उसके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और अपना टारगेट रख लेते हैं, ये तो काफ़ी नीचे तक गया है, आप जो भी टारगेट रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती थी कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके नीचे ले आए और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया और हिट करके नीचे चला गया। इसलिए स्टॉप लॉस को मेंटेन करते रहिए आगे पीछे करके, जैसा मार्केट लगे आपको यही ले लीजिए। यहाँ पे ओवरसोल्ड इसने दिखाया, यहाँ के एंट्री बनाएंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर मार्केट ये आ गया नीचे यहाँ तक, फिर ऊपर जाके फिर ये नीचे आया। देखिए मार्केट इतनी आसानी से पैसा देता भी है और नहीं भी देता है, आपको देखना पड़ेगा। अब ये देखिए ईएमए के यहाँ से टकराया, ठीक है, यहाँ से टकराया, चलिए ओवरसोल्ड हो गया, फिर ये इसके ऊपर हल्का से निकल के फिर रिवर्स हो गया। इसी तरह से बाय की ट्रेड जब लेंगे, जब प्राइस मार्क ईएमए के ऊपर चल रहा होगा, ईएमए के ऊपर चल रहा होगा प्राइस, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रही है काफ़ी देर से, इसलिए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है प्राइस ऊपर चल रहा हो। ये देख लीजिए ये ओवरसोल्ड हुआ, यहाँ पे इससे टकराया, जैसे ही ये गैप अप हुआ, रेड ऊपर आ गई, ग्रीन नीचे आ गया, अब एंट्री बना लीजिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिए और ये देखिए टारगेट तो बहुत नीचे तक गया हुआ है। अब आ जाते हैं ये बुलिश और बेयर, ये बुल और बेयर क्या है। देखिए आपने RSI डाइवर्जन का नाम सुना होगा, डाइवर्जन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अभी तो नहीं बनाई है। तो उसमें क्या होता है कि आप RSI और प्राइस के डाइवर्जेंसेस देखेंगे। डाइवर्जेंस देखने के लिए आप पहले इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको डाइवर्जन कैसे दिखाई देगा, देखिए प्राइस का एक येलो है, एक ये उससे हाई है, तो अगर हम यहाँ पे एक लकीर खींचें तो ये कुछ ऐसी बनेगी, यानी कि ऊपर गया प्राइस। जबकि आप RSI को देखेंगे तो ये इक्वल है, बल्कि ये नीचे है, बहुत बारीक थोड़ा सा नीचे है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ये नीचे है, प्राइस ऊपर है, ये नीचे है, तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेशन होता है। इस पर जल्दी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इस इंडिकेटर में ये चीज़, ये फीचर दिया हुआ है, ये ऑलरेडी बताता हुआ चलता है कि डाइवर्जन बन गया है, यहाँ पे डाइवर्जन बन गया है, यहाँ पे बुल का डाइवर्जन बन गया है, ठीक है। अब ये देखिए ये एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसमें कितना फ़र्क है, ये इससे कितना ज़्यादा नीचे है, कुछ ऐसे है, और ये देखिए ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ये बुल दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ एंट्री आप बनाएंगे उसके बाद, ये कंफर्म होने के बाद यहाँ पे, तो मार्केट देखिए कितना ऊपर चला गया। डाइवर्जेंस जो है वो बहुत ही पावरफुल है स्ट्रेटजीज, उस पर वीडियो जल्दी लाने वाले हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा प्रेजेंटेशन। उम्मीद है वीडियो पसंद में, अगर कोई सवाल हो आपको इससे रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।